नमस्ते, ऋषि पांडे नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमएस सीटेट क्लास। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं वाचन विधि या रीडिंग स्केल या रीडिंग मेथड, कि कैसे पढ़ा जाए तो अच्छी पढ़ाई होती है या पढ़ने के क्या क्या वे होते हैं। मैं जैसे हमेशा आपको बताता हूँ, इस यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में। एक बार आपको ध्यान सुनना है, अगर लिखना हो तो इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे। भरोसा करके एक बार ध्यान सुन लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। एग्जाम में कभी आएगा तो आप उसको सही टिक करके आओगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आइए देखते हैं वाचन विधि क्या होता है। ये वाचन विधि, वाचन विधि का अपने हिसाब से आप समझ लो कि पढ़ने की विधि। तो वाचन विधि किसको बोलते हैं, किसी लिखे हुए मैटर को, जो भाषा आप जानते हो, किसी लिखे हुए मैटर को पढ़ के उसके अर्थ ग्रहण करने को क्या बोलते हैं हम, वाचन विधि। क्लियर, उसको वाचन बोलेंगे। और वाचन की विधियां क्या होती हैं, वाचन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां, दो होती हैं, एक होती है स्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। क्लियर, वाचन विधि कितनी विधियां हुई, दो ही, एक हुई स्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। अब देखिये स्वर वाचन में दो विधियां होती है, आदर्श वाचन एक अनुकरण वाचन। तो स्वर वाचन क्या होता है, जैसे आप कोई गाना गाते हो या कोई कविता पढ़ते हो, कविता जो पढ़ने का रिदम होता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो स्वर वाचन हुआ। क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्वर वाचन। अब इसमें स्वर वाचन में क्या क्या होता है आप ये देखिए। नंबर एक क्या होता है, इसको होंठ हिलाकर पढ़ा जाता है। कैसे, होंठ हिला के पढ़ा जाता है। दूसरा क्या हो गया, ये केजी टू कक्षा पांच तक ही अप्लाई होता है, मोस्टली केजी से कक्षा पांच। देखते हो आप जो क्लास एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5 तक होता है कि पोएम्स जो है वो बच्चे पढ़ते हैं फ्लो में, टीचर पढ़ाता है एक रिदम के साथ एक लय के साथ और बच्चे उसका अनुकरण करके उसी लय में पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सास्वर वाचन। तो क्या हुआ, इसको हिला के पढ़ रहे हैं, सही है। केजी टू कक्षा पाँच तक है, ये भी सही है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, सही ना भाई। जितने में टीचर पढ़ाएगा फिर बच्चे पढ़ेंगे, तो उससे अच्छा तो है ना कि अगर मतलब अपने आप अगर कोई पढ़े तो ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लेगा, तो वही बोल रहे हैं सास्वर वाचन में टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कुछ खास बताने का नहीं है। और पद्य रूप में होता है, पद्य मतलब एक कविता, कविता के रूप में होता है, तभी तो उसको वो गा के पढ़ाएंगे और ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, ये क्या बोले, सास्वर वाचन दो प्रकार का होगा, पहला होगा आदर्श वाचन और दूसरा क्या होगा, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में क्या है, इसमें क्या है, शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे उसको रिपीट करते जाते हैं, जैसे कुछ भी आप बच्चों का टीचर पढ़ा रहे हैं कविता के रूप में और पूरे बच्चे उसको अनुकरण करके वही दोहरा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोले आदर्श वाचन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अनुकरण वाचन, क्या हो गया, अनुकरण वाचन। तो टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे उसको अनुकरण मतलब नकल करके बोलना या फॉलो करना, तो टीचर जो बता रहे हैं बच्चे उसको सुनकर दोहरा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अब अनुकरण भाई, जब टीचर पढ़ाएगा तो इसको आप कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, आप अप्रोच के साथ, टीचर पढ़ाएगा दो कंडीशन होगी, अगर टीचर बच्चों को दोहराने के लिए बोलेगा दो कंडीशन होगी। पहला, किसी एक बच्चे को खड़ा करने को बोलेगा जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप दोहराओ, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी होगी जो मैं पढ़ रहा हूँ पूरा क्लास उसको दोहराएगा, दो कंडीशन है ना। तो वही अनुकरण विधि में कितनी विधियाँ होती हैं, दो पार्ट होता है, एक होता है वैयक्तिक, होता है सामूहिक। वैयक्तिक क्या हुआ, जब कोई बच्चा किसी चीज को भूल रहा है तो टीचर उसको पढ़ के बोलेगा मैं जो जैसे बोला वैसे आप बोलो, तो कौन सी विधि हो गई अनुकरण की, वैयक्तिक विधि हो गई। दूसरा, चलो बच्चों सब लोग पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग एक साथ पढ़िए, तो वो क्या हो गई, सामूहिक वाचन विधि हो गई। आई थिंक आपका स्वर वाचन पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। ज्यादातर इसमें ये पूछते हैं होंठ हिला के पूछने वाला है ना, कि किस विधि में होंठ हिलाकर पढ़ते हैं, स्वर में, मौन में, गंभीर में और वाचिक में, ठीक है ना। या अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से पूछेंगे, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा और क्वेश्चन घुमाते बहुत है, मतलब वर्ड के जाल से उसको बहुत क्रिटिकल बना देते हैं। तो कुछ नहीं, आपके पास यही रहेगा, आप वर्ड पकड़ के रखोगे वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं मौन वाचन, मतलब ये आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ लोगे तो कितना भी घुमा के दे देंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा ना, तो दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं मौन वाचन, ये तो साइलेंटली पढ़ना बोलते हैं आप ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें होंठ नहीं हिलता है। जैसे भी आप वैसे नॉर्मली सोचोगे ना तो इसमें लगेगा होंठ हिलेगा, लेकिन मौन वाचन सबसे अच्छा वही है कि ऐसे किताब को देखते जाओ और पढ़ते जाओ, मुंह और होंठ बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, ठीक है ना।
तो इसमें का होंठ नहीं हिलता है, यह मुख्य रूप से गद्य होता है। क्या होता है? गद्य या कहानी का पार्ट होता है। और जिसमें शास्त्र बोलते थे वो क्या होता था? एक श्लोक होता है जिसे श्लोक भी पढ़ा जाता है गा के लय के हिसाब से, ठीक है ना, या कविताएं होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, यह तो गद्य है या कहानी है। अच्छा, ये क्या था? LKG से मतलब प्राथमिक स्तर पर ये था, और माध्यमिक और उच्च स्तर पर कौन सा वाचन पढ़ा जाता है? जैसे देखिए आप 6 से 10, 12 या ग्रेजुएशन में क्या होता है, टीचर कभी ऐसा बोलता है क्या हम पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ो? नहीं बोलता है। तो किस वाचन में आता है? मौन वाचन। वो पढ़ा रहा है आप सुनते रहो या आप भी मन में पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो क्या होता है? माध्यमिक से उच्च स्तर पर। इसमें समय क्या लगता है? कम समय लगता है। एक और होता है कि जैसा उसमें बोला था कि मतलब ये शास्त्र वाचन में ज्यादा समय लगता है, तो इसका एक अप्रोक्सिमेट रेशियो निकाला गया था। 1 मिनट में शास्त्र वाचन के साथ 170 शब्द पढ़ सकते थे 1 मिनट में लगभग, ठीक है ना। अगर वही मौन वाचन की बात करें तो ये 210 शब्द पढ़ सकते थे, तो ये तो ज्यादा पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये मौन वाचन भी दो प्रकार हो गया। कितने प्रकार का? 2 टाइप। पहला क्या है? गंभीर वाचन, दूसरा है द्रुत वाचन। तो गंभीर वाचन मतलब क्या हो गया? जिसको चिंतन या समझ के साथ पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना, क्या होता है गंभीर वाचन। मतलब कोई गंभीर मुद्दा हो, जैसे किसी की जीवनी पढ़नी होती है तो उसको मन से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक ना। या कोई इंपॉर्टेंट कहानी हो गई या जो है जो भी है, या बुक हो गई किताब, तो वो ध्यान से पढ़ा जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? गंभीर वाचन, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये लिख दे किसी की जीवनी हो गई, कक्षा की पुस्तक हो गई, या ऐसी चीज जो पढ़ के हमें समझना है उसको क्या बोल देंगे हम? गंभीर वाचन। द्रुत वाचन, द्रुत मतलब होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी जल्दी किसको पढ़ना है, जैसे आप कहानी कोई पढ़ लो, ऐसे कहानी पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ते जाओगे, इसमें कोई बहुत लॉजिक तो लगाना नहीं है। कहानी हो गया या क्या हो गया, कहानी के साथ साथ आपका समाचार हो गया, कॉमिक्स हो गई, या ऐसी रैंडमली चीजें जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐसे पढ़ते चले जाना है, तो क्या हो जाएगा? द्रुत वाचन, ठीक है ना। समाचार भी हो गया, तो मुझे लग रहा है आपका ये भी क्लियर हो गया। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपने इसको ध्यान सुना है तो एग्जाम में चाहे अब आपसे कोई शास्त्र वाचन पूछ ले, अनुकरण वाचन पूछे, कहीं आपको कंफ्यूजन होगा क्या? मुझे लग रहा नहीं होना चाहिए। फिर भी अच्छा, अगर आपने इसको लिख लिया है तो अच्छा, नहीं तो पाई चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा बना लीजिए, एग्जाम के पहले देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको जितना हम पढ़ाएंगे सबकी एक सुव्यवस्थित नोट्स देंगे, और हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी देंगे, ठीक है ना। तो आप उसको अच्छे सॉल्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए हमारे चैनल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, भाइयों को, जरूरतमंदों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे जाइए और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। हम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपके साथ जुटे रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव और आपके डाउट सादर आमंत्रित हैं। प्लीज़ दोनों में जो हो, या तो आप में अपना सुझाव दे दीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट कुछ हो तो वो बता दीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको चाहिए हो तो हमें दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।